गाइस इट्स कैप्टन ब्लू पायरेट है और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में। अगर ये वीडियो लेट पब्लिश हुआ है तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एरर के कारण पूरी दुनिया परेशान है। मेरा पीसी 10 बार बंद हो चुका है सुबह से। ये लोग पता नहीं ब्लू स्क्रीन वाला इशू कब सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे बहुत दिक्कत हो रही है। आई होप ये जल्दी हो जाए। खैर, बहुत मेहनत के बाद मैंने इस वीडियो को फाइनली कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए बात करते हैं एपिसोड 6 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले के एपिसोड के वीडियो अभी तक नहीं देखे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और दूसरे कई ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाएं। मैंने रिसेंटली ड्रैगन सीड पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्पॉइलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 6 का रीकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड 6 में अपडेट हो चुका है। इंट्रो हमें दिखाई देती है न्यू टैपेस्ट्री जिसके अंदर डांस ऑफ ड्रैगन की बैटल ऑफ रुक्स को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे आपको मेलिस और सनफायर दिख जाएंगे और बीच में खड़ा हुआ है एमन। ज्यादातर लोग पता नहीं इंट्रो क्यों स्किप कर देते हैं। मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का इंट्रो काफी पसंद है तो मैं इसे जरूर देखता हूँ। लैनिस्टर्स आ चुके हैं अपनी आर्मी के साथ। नियक गोल्डन टूथ, ये बॉर्डर एरिया है। इस आर्मी की बात लंबे टाइम से काउंसिल में हो रही थी बाय द ट्विन ब्रदर टाइविन लैनिस्टर। ये ट्विन ब्रदर है टाइलैंड लैनिस्टर का, जिसे हमने पहले भी देखा था सीजन 1 के दौरान। ये दोनों भाई एकदम नमूने हैं तो इनकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्राउन का ऑर्डर था कि इन्हें सीधा रिवरलैंड्स के अंदर एंटर होना है, जबकि ये चूतियां यहीं आकर बैठ गए। उनके साथ बहुत सारे लायंस भी हैं जिन्हें खाना खिलाना होगा, इसलिए इनका मूड ऑफ हो गया क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। वो लोग रेवन भेजते हैं प्रिंस एमन को कि उन्हें एयर सपोर्ट प्रोवाइड करे क्योंकि उसके बिना वो लोग रिवर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। एमन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो प्रिंस रीजेंट है, मतलब किंग। आप ऐसे एक किंग को डॉग व्हिसल करके नहीं बुला सकते, तो वो ऑफकोर्स अपने हिसाब से जाएगा। उसका भाई टाइलन ट्राई करता है कि किंग शांत हो जाए और एमन चाहता है कि ट्रायाकी के साथ अलायंस बनाया जाए। आपको याद ही होगा लास्ट सीजन में ट्रायाकी जो 3 फ्री सिटीज का अलायंस था, उन्होंने वॉर शुरू करी थी। डायरेक्ट तो नहीं, प्रॉक्सी वॉर थी, लेकिन वो पायरेट्स के हिसाब से लड़ रहे थे जिसको डेमन ने 2 टुकड़ों में काट दिया। एमन चाहता है कि उन लोगों के साथ अलायंस बनाया जाए ताकि वो फाइट करे सी स्नेक से। बुक्स में ये थोड़ा अलग था, उसमें ये ऑटो हाईटावर का आइडिया था कि हमें ट्रायाकी के साथ अलायंस बनाना चाहिए। प्लस यहाँ पर एलिसेंट मना कर देती है क्योंकि एसोस के फ्री सिटीज का कोई भरोसा नहीं है। वो लोग कभी भी साइड स्विच कर लेते हैं, वो बस अपना प्रॉफिट देखते हैं, इसलिए उनका साथ देना काफी गलत होगा। लॉर्ड जेस्पर सजेशन देते हैं कि क्वीन एलिसेंट की मैरिज करवा देनी चाहिए डाल्टन ग्रेजॉय के साथ। अब ग्रेजॉय यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे, सेम गेम ऑफ थ्रोन्स में जैसे उन्होंने किया। उनके पास सेकेंड लार्जेस्ट नेवी है आफ्टर वलारियंस और एलिसेंट फिर भी मना कर देती है। पर ये काइंड ऑफ दिखाता है कि उसकी पावर कैसे चली गई है काउंसिल में से। वो इससे अच्छा रेनिरा को क्वीन बना देती तो उसका कुछ ना होता, लेकिन इसने पूरा खेल बिगाड़ दिया क्योंकि अब एमन इंचार्ज है और वो भेजता है सर क्रिस्टन को हेरनॉल। हम जानते हैं डेमन यहाँ गांजा फूकर वियर ड्रीम्स देख रहा है। हैरन हॉल वेस्टरोस के हिसाब से सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर उसे टेक ओवर कर लिया गया तो आप किसी भी साइड इन्वेजन को लीड कर सकते हैं, और इसीलिए एमन चाहता है कि क्रिस्टन वहां पर स्ट्राइक करे। क्रिस्टन बताता है कि उनकी आर्मी रूक्स रेस्ट के बाद काफी कमजोर है। वो क्लियरली एक माना जाए तो विक्ट्री नहीं थी, एक हॉलो विक्ट्री थी, यानी कि वो लोग जीत कर भी हार गए। ऑल्सो क्रिस्टन बताता है कि उन्हें सिटी को डिफेंड करने के लिए एक फोर्स यहाँ पर रखनी होगी, जिससे एमन अग्री नहीं करता। उसके होते हुए सिटी का कुछ नहीं होगा, इसलिए वो हैरन हॉल भेजता है क्रिस्टन कोल को। ये काइंड ऑफ एक बहुत ही बड़ी गलती साबित होगी फ्यूचर में, और बुक लवर्स जिसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं तो हम किसी का भी स्पॉइल कुछ नहीं करेंगे। काउंसिल खत्म होने के बाद एलिसेंट बात करती है एमन से और उनका रिलेशनशिप काफी सॉर है। देखा जाए तो उसने कभी भी अपने किड्स को मदरली लव नहीं किया। उसकी कंडीशन से आप समझ सकते हैं कि रनेरा के किड्स कितने अच्छी तरीके से ग्रो अप हुए हैं। उनका रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ बहुत ही बढ़िया है, वो एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं, जबकि यहाँ पर एकदम था। एमन यहाँ पर सेम रूल यूज करता है जो सर्सी के साथ हुआ था। वो क्वीन नहीं, क्वीन मदर है, मतलब उसे काउंसिल में नहीं बिठा कर रखा जा सकता। वो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देता है। इवन एलिसेंट ने कितनी मेहनत क्यों ना की हो अपने किड्स को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हम आ चुके हैं ड्रैगनस्टोन। कॉलिस यहाँ पर हैंड ऑफ द क्वीन कमांड संभालता है टेबल पर, और वो सबसे पहले आ चुका है।
आप नोटिस करेंगे कि जैसे पहले रेनेरा के सामने सवाल उठाए जाते थे, अब ऐसा नहीं होता क्योंकि कॉलस उसके साथ बैठा था। काउंसिल के शुरू होने के बाद सर स्टीफन डार्कलिन को यहाँ पर बुलाया जाता है, जिन्हें हम जानते हैं लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्सगार्ड के रूप में। रेनेरा बताती है कि उनकी फैमिली में एक टारगेरियन प्रिंसेस की मैरिज हुई थी 3 जनरेशन पहले, मतलब उनके अंदर भी टारगेरियन ब्लड है। वो एक ड्रैगन को टेम कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो वो लोग इजीली वॉर जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारे ड्रैगन्स हैं, बस राइडर्स की कमी थी। स्टेफन जरा भी नहीं कतराते और इमीडिएटली हाँ बोल देते हैं अपनी क्वीन की लॉयल्टी प्रूव करते हुए कि वो टेम करेंगे एक ड्रैगन को। यहाँ हैरन हॉल में गांजा पार्टी चालू है। डेमन थ्रोन रूम के अंदर एंटर हुआ, ये एक्चुअली में एक मेमोरी थी। सेम season 1 episode 1 में भी ऐसा ही हुआ था। टेमर अपने भाई वसेरियस से बात करता है और ये काइंड ऑफ एक मेमोरी है, तो उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्ले हो रहा है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम जानते हैं। अब काइंड ऑफ नोटिस करेंगे कि season 2 के अंदर जितने भी हलुसिनेशंस आए वो उसमें सारे में वो कैप्चर्ड था एक जगह पर। वो यहाँ पर भी थ्रोन रूम के बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है लेकिन वो एक्चुअली में नहीं कर पाता। जब डेमन नींद से उठता है तो वो साइमन के साथ था, वो उसे थ्रेट करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके खाने में कुछ मिला दिया गया है जो एक्चुअली में ट्रू नहीं है। साइमन क्लियरली बताते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, जो एक तरीके से ट्रू है। रेडिट के कई पेज इसे डिस्कस कर रहे हैं कि डेमन के साथ कुछ भी एलिस नहीं कर रही है, बस डेमन यहाँ पर सो नहीं पा रहा है और इसी कारण से वो हलुसिनेट कर रहा है। डेमन को एक्चुअली काफी भरोसा है एलिस वाटर्स पर, इसीलिए वो उस पर जरा भी शक नहीं करता। बंदी ने रियली काफी बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट किया है, ये तो बात माननी पड़ेगी। जो भी हो, वो बोरिया बिस्तर लेके निकल जाने वाला था और क्रैक्सीज भी रेडी है क्योंकि वो तंग आ चुका है हैरन हॉल से। बहुत सारी मीम्स भी आ चुकी है कि चलो मालिक यहाँ से छल लेते हैं, लेकिन वो नहीं जाता, एलिस उसे रोक लेती है। यहाँ पर एलिस एक बहुत ही बढ़िया चीज बताती है कि अगर आप क्राउन को एक प्राइस के रूप में चेक करोगे तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं ये हुआ वसेरियस के साथ, उसे क्राउन नहीं चाहिए था, रेनिस को चाहिए था लेकिन रेनिस को नहीं मिला। डेमन का भी सेम है, डेमन को क्राउन चाहिए था लेकिन वो उसे नहीं मिला, रेनेरा को दिया गया। स्टैनिस और रैंडली दोनों भूखे थे पावर के, लेकिन पावर मिली रॉबर्ट को। रॉबर्ट के मरने के बाद पावर गई उसके नल्ले किड्स के हाथ में, जिसे कभी भी पावर का टेस्ट भी नहीं चखा था। एमन के साथ वैसा ही हुआ, उसे बहुत ही पावर हंग्री आइडियाज थे लेकिन एगॉन को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। जब उसका कॉरोनेशन होने वाला था, उसके कुछ घंटे पहले वो पीकर कहीं पर पड़ा हुआ मिला। तो ये एक जबरदस्त आइडिया है कि जिसे लोग प्राइज मानते हैं उसे एक्चुअली में जिम्मेदारी की तरह ट्रीट करना चाहिए। एमन यहाँ मदद मांगता है एलिस से और वो मदद करने के लिए रेडी थी। सी स्मोक को लाया जाता है सर स्टीफन के सामने, वो ट्राई करेंगे उसे टेम करने की, जो एक हद तक काफी सक्सेसफुल था, लेकिन स्मोक काबू से बाहर चला जाता है और वो सर स्टीफन को जलाकर खाक कर देता है। ये देखा जाए तो काफी भयंकर सीन था, इवन एक ड्रैगन कीपर ने अपनी जान खुद ले ली क्योंकि ड्रैगन फायर से मरना काफी ब्रूटल है। ड्रिफ्ट मार्क पर कोलस मिलता है अपने सन एडम से, उसने एक टर्बन पहना है अपने हेयर को छुपाने के लिए। कोलस उसे ऑर्डर देता है अपने साथ सेकंड इन कमांड लेने के लिए और वो जाना नहीं चाहता था। उसका भाई यहाँ पर बैठकर सारी चीजें सुन रहा था जो आगे इसके बारे में डिस्कस करेगा। यहाँ मैडम सिल्वी आती है टावान के अंदर और वो लोगों को भड़का रही है रॉयल फैमिली के अगेंस्ट। देखा जाए तो ये सारा मसायरा के प्लान के साथ हो रहा है और उल्फ द वाइट भी यहीं पर मौजूद था। सिटी की हालत बहुत ही खराब है और लोगों को बस अपना गुस्सा डाइवर्ट करना था एक जगह और ये लोग वही कर रहे हैं। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि रेनेरा ने अपनी मेड को भेजा यहाँ पर काम के लिए, जो सब कुछ संभाल रही थी। यहाँ ड्रैगन स्टोन में रेनेरा झापड़ मारती है लॉर्ड केल्टीगार को, जो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। एमन को काउंसिल देता है लैरिस और बताता है कि उन्हें हैंड की जरूरत है, प्लस स्मॉल फोक उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उन्हें कंट्रोल में रखना होगा। फूड एंड वाटर सप्लाईज की काफी कमी है, इसीलिए शायद ये सब हो रहा है। वो पूरी तरीके से एमन को समझाने की ट्राई करता है। एमन देखा जाए तो वो जरा भी चूतिया इंसान नहीं है, वो सीधा कमांड करता है कि उसके नाना ऑटो हाई टावर को बुला लिया जाए क्योंकि वो बेटर सर्व कर पाएंगे एज अ हैंड ऑफ द किंग। एक सेकंड के लिए लगा कि लैरिस को हैंड ऑफ द किंग बनाया गया, लेकिन ना। मिस्टर ओविल बताते हैं कि एगॉन जाग चुका है, लेकिन वो एमन के सामने बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है। ऑफकोर्स उसकी गांठ फट रही है इस बंदे से, इसीलिए वो अपनी सेफ्टी चाहता था। लेडी रैनिया और यंग जॉफरी यहाँ पर वेल में घूम रहे थे कि उन्हें लेयर मिलता है एक वाइल्ड ड्रैगन का।
ये ड्रैगन यहाँ पर थोड़े टाइम से दिखाई पड़ रहा है और वो शीप्स को चुराता है, मतलब यहाँ बात हो रही है शीप्स ट्रेलर की। ये एक पावरफुल ड्रैगन था और इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो में बताया है, अगर आपने पूरे मेरे ड्रैगन राइडर्स वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एक्चुअली में नेटल्स नाम की एक लड़की थी जो शीप स्टीलर को टेम करेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। मेरे ख्याल से वो पूरी प्लॉट लाइन बुक से हटा दी जाएगी, वो लोग सीधा रैनिया को ही एज अ ड्रैगन राइडर कास्ट करेंगे, जो काफी सही बात है। लेडी जेम बताती है कि टायरोस के लॉर्ड ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि वो डेमन के फ्रेंड है। रेनिरा वहाँ जब तक चाहे तब तक रह सकती है और वो उनके रहने का सारा इंतजाम कर चुके हैं, मतलब ये थोड़े ही टाइम में रवाना होगी। अलन काइंड ऑफ एंग्री था कि एडम अपनी पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो दोनों सां हैं सी स्मोक के, लेकिन उन्हें ऐसी जिंदगी बितानी पड़ रही है। एडम बताता है कि वो एक्चुअल में सांस नहीं है, बास्टर्ड है, उन्हें अपना रैंक कभी भी भूलना नहीं चाहिए नो मैटर वॉट। देखा जाए तो अगर उन्हें लेजिटिमाइज कर दिया जाए तो वही एयर बनेंगे ड्रिफ्ट मार्क के, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं चाहता, एकदम जॉन स्नो की तरह। जेस ट्राई करता है अपनी मदर से बात करने की, लेकिन वो भी उसे अंडर एस्टिमेट करता है लाइक अदर्स। रेनिरा के पास एक स्पेशल बढ़िया प्लान था जिसे उसने सीक्रेट रखा मसैरा के साथ और उसे कंटिन्यू कर दिया गया है। रात को छोटे शिप्स के थ्रू पहुंचा दिया जाता है बहुत सारे फल और खाने को फ्लिप बॉटम के पास। ये बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं। आर्मी डिस्पैच होती है किंग्स लैंडिंग से। क्रिस्टन कोल और एलिसन बहुत ही दूर हो गए हैं, ये इस सीन से आपको पता चल सकता है। एलिसन गुल्डन से पूछती है अपने सन डेरॉन के बारे में जिसे हमने कभी भी नहीं देखा। वसेरियस का यंगेस्ट सन बड़ा हुआ है ओल्ड टाउन में और वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। उसके पास अपना खुद का ड्रैगन है जो काफी अमेजिंग होगा और मेरे ख्याल से हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा क्योंकि ट्रेलर में इस चीज को इंक्लूड किया गया था। एलिसन जाती है मिलने हेलेना से जो फैन फेवरेट है। आई मीन सब भर भर के गालियां देते हैं ग्रीन्स को, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती हेलेना को कुछ बोल दे, तलवारें निकल जाएंगी मैं गारंटी देता हूँ। वो लोग जाते हैं टेंपल में जहाँ पर अक्सर एलिसन कैंडल लाइट करने जाती थी। बाहर सभी लोग एक तरफ इकट्ठा हो चुके हैं और क्वीन रेनिरा ने सबको गिफ्ट्स भेजे हैं। हम देखते हैं गुड बॉय डोगो को जो इस सीजन के हर एपिसोड में आई गेस दिखाई दिया है, मेरे ख्याल से वही टीम MVP है। उसके साथ यू हैमर था जो काफी काइंड तरीके से इस ट्रे से बात कर रहा था। A few minutes later. यहाँ एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी भी बुरी टेंडेंसीज नहीं होती जब तक उनकी फैमिली पर बात ना आए। एक बार जब उनकी फैमिली पर बात आ जाए तो वो ऑफ कोर्स किसी के मुंह से निवाला तक छीन लेंगे। टेंपल के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और वो लोग नारेबाजी कर रहे थे। एलिसेंट और हेलेना को बाहर निकालने की ट्राई उनके किंग्स गार्ड ने की और बहुत सारी फिश थ्रो हुई जिसके कारण काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। यहाँ पर फाइट भी शुरू हो गई और जब किसी ने एलिसेंट को पकड़ने की ट्राई की तब किंग्स गार्ड ने सीधा उन पर हमला बोल दिया। ये रियली काफी ब्रूटल सीन था और एलिसेंट इसे क्लियरली फील कर सकती थी, लेकिन उनके किंग्स गार्ड काफी इनएक्सपीरियंस्ड हैं। यस, एगोन ने अपने दोस्तों को किंग्स गार्ड बनाया था, हमें ये लास्ट एपिसोड में देखने मिला और यही कारण था कि इन चूतियों से कुछ भी मैनेज नहीं हुआ। एलिसेंट और हेलेना बाल बाल बची और मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ गंदा हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, गार्ड्स ने उन्हें बचा लिया जबकि दो से ज्यादा किंग्स गार्ड आई गेस मारे गए। ये सीन जब मैं देख रहा था तब मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ रही थी। रियली कभी भी भूखे पेजेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। गेम ऑफ थ्रोन्स में इसे काफी ब्रूटल तरीके से दिखाया गया था, यहाँ पर अभी भी हालात काफी कंट्रोल में थे। ये पूरा सीन एक्चुअल में बुक्स के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये क्रिएटर्स ने अपने हिसाब से ऐड किया और ये काफी सही सीन था। लोग यहाँ पर रेनिरा का सपोर्ट में नारा लगा रहे हैं, ये वही भीड़ है जो कुछ टाइम पहले रेनिरा को गालियां दे रही थी। डेमन फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे अपने भाई के साथ रहना चाहिए था जब उसकी हालत खराब थी और शायद यही रीजन था कि वो बाहर आ गया थ्रोन रूम के अंदर से। इस ड्रीम के अंदर जब वसेरियस एमा के साथ थे तब वो भी उनके पास खड़ा था, जो काइंड ऑफ उसकी गिल्ट को दिखाता है। ड्रीम से बाहर निकलने पर वो मिलता है सर साइमन स्ट्रॉन्ग से और वो बताते हैं कि लॉर्ड टली की डेथ हो चुकी है। जी हाँ, बूढ़े लॉर्ड टली की डेथ हो चुकी है और एलिस वाटर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो हेल्प करेगी क्योंकि वो उनकी हीलर बन के गई थी। यस, उसी ने मार दिया लॉर्ड टली को और इसी कारण से अब डेमन पूरे रिवरलैंड पर कब्जा कर सकता है।
सी स्मोक जा चुका है ड्रैगनस्टोन से और वो उड़कर पहुंच जाता है एडम ऑफ हल के पास। वो यहाँ पर क्रैब्स कलेक्ट कर रहा था कि ड्रैगन की उस पर स्ट्राइक हुई। वो एक्चुअली में स्ट्राइक नहीं थी, वो उसे लंबे टाइम से नोटिस कर रहा था और उसके अंदर कॉलस का ब्लड है, मींस वो वैलेरियन डिसेंडेंट का है। सी स्मोक इसीलिए उससे क्लेम करता है, मोस्टली अलग होता है, राइडर्स ड्रैगन्स को क्लेम करते हैं लेकिन यहाँ पर ड्रैगन ने राइडर को क्लेम किया है। अब स्टोरी पे आए तो गिफ्ट्स का इफेक्ट काफी अच्छा हुआ, जो बात मसेरा बताती है रेनेरा को, लेकिन वो अभी भी अपसेट है। वो दोनों एक दूसरे का पेन शेयर करते हैं क्योंकि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जबकि मसेरा का थोड़ा डिफरेंट था। उसे एक्चुअली में मिसकैरेज हुआ था और डेमन ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये दोनों डेमन के टाइप के हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये चीज मैंने एक्चुअली में एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन रेनेरा को उससे पहले भी एलिसेंट पे क्रश था, तो ये पॉसिबल है कि वो बाईजेंडर हो सकती है। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें छह छपा छह देखने मिल ही जाता, लेकिन किंग्सगार्ड की एंट्री हो गई और ये सब डिस्टर्ब हो गया। No! कुछ लोगों ने सी स्मोक को स्पाइस टाउन के ऊपर देखा था एक राइडर के साथ, इसीलिए रेनेरा खुद साइराक्स के साथ रवाना होती है, जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। एपिसोड 6 आ चुका है, मतलब 3 और एपिसोड्स बाकी हैं इस सीरीज के। उसे कवर करने के बाद हम दूसरी सीरीज भी उठा लेंगे, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हम मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस पे गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।